देखिए, बात होगी पोटेंशियोमीटर की। नाम से लग रहा है मीटर कोई चीज नापने के काम में आई और पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कह सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ के नापने के काम में आती है। अब आप कहेंगे भाई हमारे पास वोल्ट मीटर तो था पहले से, छोटा सा वोल्ट मीटर था प्यारा सा, उसको अपना लगाओ टर्मिनल, वोल्टेज नाप लेता था। तो वोल्ट मीटर के होने के बावजूद भी आप पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करना चाहते हैं वो बाद में बात करेंगे कि वोल्ट मीटर के उसमें इसमें जो है ये क्यों ज़्यादा लाभदायक है। तो पहली बात, पोटेंशियोमीटर दो तीन चीज़ों के काम में आता है। पहली चीज़, वो किसी सेल का ईएमएफ नापता है जो कि वोल्ट मीटर भी करता है। दूसरी चीज़, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी करता है, वो भी वोल्ट मीटर कर सकता है। भाई वोल्ट मीटर में क्या करोगे, एक बार एक सेल को लगा दो 1.5 वोल्ट की, एक बार एक को लगा दो 1.4 वोल्ट की, हो गया कंपेयर, नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी करता है, ठीक है। अब ये चूंकि अब इसमें आज ये हीरो है, ये जो है इसमें बारात इसी की है, तो आज इसी की बात की जाएगी। लेकिन वोल्ट मीटर के कंपेरिजन में ये क्यों ज़्यादा लाभदायक है बाद में बताया जाएगा। और तीसरी बात, ये जो करता है वो किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है, जो कि वोल्ट मीटर भी कर सकता है। करता नहीं करता बात की बात है, कर इसलिए सकता है, वो कर देगा। कैसे, हम पहले करंट ऑफ कर देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे तो क्या नाप लेगा वो, ईएमएफ। फिर करंट को ऑन कर देंगे, वोल्ट मीटर फिर लगा देंगे तो क्या नाप लेगा, वी टर्मिनल पोटेंशियल। और जब ईएमएफ मालूम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल मालूम होता है, तो आराम से हम आर निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन के फार्मूले से आप जानते हैं। लेकिन हम फिलहाल वोल्ट मीटर की बात नहीं करें, पोटेंशियोमीटर की बात करें। देखिए पोटेंशियोमीटर होता कैसे, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हम वायर लेते हैं जो कि 4-5-10-12 मीटर लंबा होता है, बहुत लंबा वायर हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बनाइएगा नहीं, हमने एक वायर लिया जो कि बहुत लंबा वायर है, बोले ये तो छोटा वायर है, तो कहा लंबा वायर, हम इसको बना के दूसरे कमरे तक लेके जाएं, इसमें तो हम जो कह देंगे मान लिया जाएगा ये 12 मीटर लंबा वायर है। और इसको हम क्या करते हैं, किसी एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे, हाई बैटरी, ठीक है, से जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी बाद में जोड़ते हैं, हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे कैसे, इसको बाद में जोड़ते हैं। किसी सेल का ईएमएफ निकालना है हमको, बंद कर दूं। तो हम करेंगे क्या, एक सेल ये हमारे पास है, इसका ईएमएफ हमको मालूम है, ठीक है, और एक सेल दूसरी हम लगा दें ऐसे इसकी रास्ते, इसका ईएमएफ हमको नहीं मालूम है, हमको इसका ईएमएफ नहीं मालूम, मालूम करना है। तो हम करेंगे क्या, ऐसी कुश्ती करवा देंगे, लड़ जा बेटा। अब सिंपल सी बात है, अगर इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, अगर हम मान लें कि ई ग्रेटर देन ई टू, ई वन ई ग्रेटर देन ई टू होगा, अगर मान लें इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगी, ये करंट ऐसे फ्लो कराएगी और ऐसे ही फ्लो कराएगी, घुस के इसके अंदर जाएगी, चल इधर, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं कॉलेज में, कॉरिडोर से निकल रहे हैं, कोई दूसरा उधर से आ रहा है, अब रास्ता नहीं है, जैसे कार लेके जाते हैं, सामने से ट्रक वाला आएगा तो कार वाले जो है बैक करो, उधर ट्रक बैक करे, और ट्रक वाला बेचारा बैक भी करता, इसलिए नहीं कि वो तुमसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए क्योंकि वो आउटर एरिया में है। अगर डंपर वाला होगा, लोकल वाला कहेगा तुम बैक करो बेटा, नहीं तो हम चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये वाली जो बैटरी है, जो सेल है, इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा तो ये घुस के इधर से करंट फ्लो कराएगी, नहीं होगी। और अगर दोनों का ईएमएफ सेम हो तो, ये ई है, दोनों का ईएमएफ सेम हो तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो नहीं होगी तो आप जान जाएंगे कि ये जो सेल है इसका ईएमएफ इसके बराबर है, मालूम हो गया। हम यही काम यहाँ करने वाले हैं कि एक ऐसी सेल लेके आएंगे जिसका ईएमएफ मालूम होगा और दूसरी सेल को उसे लड़ा देंगे, ठीक है। और जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगी तो हम समझ जाएंगे कि दूसरी सेल का ईएमएफ इसी के बराबर है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। यानी जैसे किसी एक की ताकत का आपको अनुमान लगाना है तो आप क्या करोगे, जिसकी ताकत आपको मालूम उसे लड़ा दो, जो जीत जाएगा वो ज़्यादा ताकतवर है। अगर दोनों लड़ते ही रहे, जैसे हीरो लड़ते हैं और कोई दिन जीते, तो आप क्या समझेंगे कि दोनों की ताकत सेम है, यही यहाँ करने वाले हैं। खैर अब देखो, जरा ध्यान से समझिए, ये थ्योरी मत लिखिएगा कि वो इधर से अंदर जाएगी, डंपर आएगा, फिर ये आएगा, तीसरा, तो समझाने के लिए होते हैं।
अब जरा दूसरी समझिएगा, हम इसको कैसे काम कराते हैं। हम एक, हमने कहा था एक की ताकत आपको मालूम है, तो आपका जिसका वोल्टेज मालूम है, जिसका ईएमएफ मालूम है, वो एक बैटरी लगाते हैं। क्या हो गया है? नहीं क्या बताया? अरे ऐसे मतलब बता दिया, नहीं जो भी मन में बता दीजिए, हम उत्तर दे देंगे। क्यों एग्जैक्ट नहीं बताएगा? जब करंट इक्वली हम करना है ना, कंपैरिजन ऐसे ही करना है। हम ऐसे नहीं लड़ाएंगे कि हम जीत जाएं। अगर हमको अपनी ताकत करनी है तो हमको लड़ाओ ऐसे जिससे हम ना जीत पाए ना हम ना हार पाए, ना वो हमको गिरा पाए ना हम उसको गिरा पाए। आधे पौन घंटे, जितने घंटे आपको लड़ाना हो, तो वो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। ये हमने एक बैटरी ली, ठीक है, और इस बैटरी का ईएमएफ हमको पहले से मालूम है। इस बैटरी का नाम दे दिया हमने V1, और इसका ईएमएफ मालूम है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, मैं मान लेता हूँ। आप मानिएगा नहीं, ई मान लो या E1 मान लो, कुछ भी मान लो। इसको हम करते क्या है, इसका वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा सकते हैं, एक रियोस्टेट यहाँ पर लगा सकते हैं इसका ईएमएफ कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। मतलब जो बैटरी है वो ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी ईएमएफ निकालना है इसकी भी ताकत बढ़ा देंगे, इसको भी सिरप पिला इधर ये ले टेबलेट का, आप जा लड़ जा करके। तो इसीलिए रियोस्टेट लगा देते हैं और एक की लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। और इसको हम करेंगे क्या, एक 4-5 से लेकर के 10-12 मीटर लंबे तार में से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे अभी हम बता रहे हैं। तो हमने इस तार से इसको जोड़ दिया, ये 10-12 मीटर लंबा, 10-12 तो नहीं होता है लेकिन 4-5 मीटर लंबा तार होता है। ये ए बी एक तार है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसकी एक टर्मिनल से हमने इसी बैटरी जोड़ दी, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। यानी कि ये जो बैटरी है वो इस वायर के एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी, 10 वोल्ट, या अगर V है तो V वोल्ट डेवलप करेगी। मैं फिलहाल 10 मान के चलता हूँ, लेकिन ये चीज़ मान के आ रहे हैं हम, V मान चल रहे हैं। यानी कि ये वाला एंड अगर V वोल्ट होगा तो ये वाला एंड कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। तो यानी कि जैसे जैसे यहाँ से इधर जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ L मान लेता, अगर मैं इसकी L मान लेता लेंथ, ठीक है, और हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा, पर यूनिट लेंथ कितना होगा, V अपान L। इसको कहेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे है? यार मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक भी घुसेड़ पड़े, तो ये भी ई यूज कर दो, ई से कैलकुलेशन कर पाओगे आप, ई की डायरेक्शन चाहिए आपको, उसके लिए फिर फोर्स लगाओ उसमें। पोटेंशियल की जब बात हो रही है तो पोटेंशियल पे समझो, हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमीटर लिख दो, फिर उसमें बात किसकी हो रही है, तो पोटेंशियल नाप रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी यहाँ पर नाप रहे हैं। अब देखिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। यानी आपने कहा कि इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आपने ग्रेडियंट वर्ड कहीं पढ़ा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ पढ़ा है आपने, के इज इक्वल टू वी अपान एल पढ़ा है ना। यानी कि पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, वी अपान एल, या पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है, वी अपान एल। फिर समझिएगा, अगर मैं मान लूं कि 10 वोल्ट इसका वोल्टेज है ना, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल कितना यहाँ क्रिएट होगा, 10 वोल्ट। और इसकी लंबाई आपने जो तार लिया है वो 100 सेंटीमीटर का लिया है, 1 मीटर लिया है, तो पर सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर नहीं हो रहा है। और अगर आपने क्या किया, इसकी लंबाई 1000 सेंटीमीटर कर दी, तो 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना। तो जितनी ज्यादा लंबा वायर आप लेंगे उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पर सेंटीमीटर ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग हो देगा। भाई जैसे आप दुकान पे जाओ और आपको भैया सेब 5 किलो दे दो, हमने कहा 5.0 दे दो, हमने कहा 5.00 दे दो, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है, क्योंकि ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है 5 किलो, इसका मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो या तो 5 किलो नापता है तो 6 किलो नापता है, 5 और 6 के बीच में वो
मेजर नहीं करता, जबकि ये 5.1, 5.2, 5.3 अप टू 5.9 नापके तब 6 नापेगा। तो 100 ग्राम का भी फर्क ये मतलब 0.1 तक का फर्क ये बता देगा, ये पॉइंट डेसिमल के 2 प्लेस तक बता देगा। तो जितनी ज्यादा इसकी लंबाई ज्यादा होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, मतलब उतना ही ज्यादा ये सेंसिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम इसको जो तार लेते हैं वो 4-5 मीटर से लेकर के 10-12 मीटर तक लेते हैं वायर, ठीक है। अब 10-12 मीटर कैसे लगाएंगे वो बात की बात है, अभी बात करेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं कहूँ कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, मतलब पर सेंटीमीटर या यूनिट लेंथ में पोटेंशियल वी जो है के हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इसका ये मान लें एक्स सेंटीमीटर है तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे देखो पर सेंटीमीटर के है और एक्स में कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है। जैसे मैं इसकी लंबाई ले रहा था 100 सेंटीमीटर और इसका पोटेंशियल 10 ले रहा था, तो यानी कि पर सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। तो देखो जब 1 सेंटीमीटर गए तो 0.1 ड्रॉप हुआ, यानी कितना हो गया 9.9, आगे गए तो 9.8, आगे गए तो 9. कम होते 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 वहां पहुंच गए। तो हर 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप आपको मालूम है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप 0.1 है तो x सेंटीमीटर का कितना होगा, 0.1 into x वोल्ट। जिसका मतलब यहां के यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे ना, अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया 2 वोल्ट आ रहा होता तो 10 से 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस तरीके से इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे ना आप, तो समझ में आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पहले तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका निकाल लिया, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इसका निकालाया, ठीक। अब देखो ये काम कैसे करता है, यानी कि आपने देखा कि अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता इस पोटेंशियोमीटर का तो आपको ज्यादा एक्यूरेट ये रीडिंग देता, ठीक। इसकी एक्यूरेसी वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात है, फेयर वर्क है वो समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए इस डायग्राम को यही बनेगा, डायग्राम तो हमें लगता है दोबारा बनाने ज्यादा अच्छा बनेगा, बनेगा उतने गंदा ज्यादा अच्छा बन गया। देखिए ये ए बी वायर है और एक सेल है जिसका पोटेंशियल हमको मालूम है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इससे जोड़ दिया है और निगेटिव टर्मिनल को रिहोस्टेड से होते हुए हमने बी से जोड़ दिया है। और इस जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है, वी वोल्ट है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जिस सेल का ईएमएफ निकालना है, इसका पहला यूज हम निकालने जा रहे हैं, पहला यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, एक सेल का ईएमएफ निकालने जा रहे हैं। जरा सावधान, हम जिस सेल का ईएमएफ निकालना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को वहीं से जोड़ते हैं जहां से इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इसी से जोड़ दिया। इसका ईएमएफ हमको निकालना है वो हमको मालूम नहीं, ठीक है। और इसके बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर का सेकेंडरी के एक जॉकी से जोड़ देते हैं। अब यहीं पर मजा है, देखो ये करंट फ्लो कराएगी इधर की तरफ और ये करंट फ्लो कराएगी इधर की तरफ, यहां पर आकर के डिसाइड होगा कि ताकत किसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो अपनी बात मनवाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने इस जॉकी को ले गए हम और जॉकी को ले जाकर यहाँ टच करा दिया, हम एरो नहीं बनाएंगे यहाँ पर, अगर जॉकी में एरो बना देंगे ना तो आपको लगेगा करंट डायरेक्शन ये है। हमने जॉकी को कहाँ टच कराया, J1 में टच कराया। अब मैं एक एग्जांपल मानता हूँ कि इसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और इसका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट मानता हूँ, ठीक। अगर 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट रहा होगा, ये 0 वोल्ट रहा होगा, कम होते होते मान लिया ये 8 वोल्ट हो गया। तो अब बताइए ए और जे वन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाली क्रिएट कर रही ना, इसका कितना है 6 वोल्ट, ताकत किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना ताकत, इसका 6 वोल्ट है उसका तो 2 ही वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रिएट हो रहा है 2 वोल्ट, इसके पास 10 वोल्ट की ताकत है, ठीक है। पूरा गैंग इसका होता तो 10 वोल्ट होता, ठीक है, लेकिन पीछे इतना ही गैंग इसके पास है, अभी वो तो छूट गए ना उतना वायर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 ही वोल्ट का तो है और इसका कितना है 6 वोल्ट का है, तो ताकत किसकी ज्यादा है 6 वोल्ट की। तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, यानी ये करंट की डायरेक्शन होगी,
ठीक, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे करंट, क्योंकि यहाँ तीन डायरेक्शन दिखानी है आपको, यानी कि करंट ऐसे फ्लो रही है तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया। समझ में बात आई? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है ना। इस वायर में करंट कौन फ्लो करा रहा था? ये वाली बैटरी कराई है, और ये अपने वायर में कराती रहेगी। ऐसा नहीं कि ये करंट बहती रहेगी, ये अपने क्षेत्र में तुम बहाओ जाकर के, यहाँ नहीं घुसने देंगे तुमको। यहाँ मेरी सत्ता है, क्योंकि मेरे पास ताकत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का तो है। 2 वोल्ट किसकी ताकत है? इसकी 2 वोल्ट ताकत इस रेंज में है, इस एरिया में इसकी 2 वोल्ट की ताकत, तो इसकी किसकी ताकत है? 6 वोल्ट की है। तो ताकत किसकी ज़्यादा है? जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो करंट कौन फ्लो कराएगा? ये। और इसके करंट फ्लो कराने की रास्ता क्या? ये वाला। तो करंट ऐसे फ्लो होगी। ये डायग्राम समझ में आया? इतना क्यों कन्फ्यूज हो रहा हो भाई, छोटी सी बात के लिए। अब दूसरे में पूरी बात समझ लो, तब बात करो आगे। अब हमने क्या किया, जॉकी यानी J1 पे जब जॉकी को टच कराया तो करंट की ये डायरेक्शन थी। अब हमने जॉकी को हटा लिया, सुन लीजिए बात भी करिएगा। अब हमने जॉकी को हटाया और यहाँ से गैल्वेनोमीटर को लगाया और जॉकी को ले जाकर के यहाँ से कहीं टच करा दिया J2 पे, और हमने माना 10 कम होते होते यहाँ पर 8, 10, 8, 6, 4 यहाँ पर मान लिया कम होते होते ये 2 वोल्ट आ गया। कम होता जाएगा ना, 10, 8, 7, 6 कम होते होते 0 तक जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 8 का है। किसकी ताकत है ये? ये इसकी ताकत है। पोटेंशियल डिफरेंस इसकी ताकत होती है ना, EMF ताकत है। EMF पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब EMF होता है, ठीक है, एनर्जी तो है एक तरीके से। तो अब इसकी ताकत 8 वोल्ट की, इसकी ताकत कौन किसकी है? 6 वोल्ट की। तो अभी क्या करेगा, करंट कैसे फ्लो कराएगी? ये घुस के इसके अंदर करंट फ्लो कराएगी, ये रास्ता है चुनेगा तुम्हारी से तैसी, बोले इधर से हम जाएंगे करंट। जब रुको, रोक सको तो रोक लो, गुंडा कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस, फिर हमने इस गैल्वेनोमीटर को हटाया और हमने एक और तीसरा पॉइंट चुना, यहाँ पर जी लगाया गैल्वेनोमीटर और हमने इसको यहाँ टच कराया, एरो नहीं बना रहे जानबूझ के, जे पॉइंट पर टच कराया और हमने कहा ये 4 वोल्ट है। अब इसका डिफरेंस कितना है? इसका कितना है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहती है और ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहती है, और दोनों की ताकत सेम है। कभी कभी देखा होगा कि जब रास्ते में दो लोग लड़ते हैं तो एक वाले आ तो छोड़े दे रहे, कल तुमको देख लूंगा। वो इसलिए नहीं छोड़े दे रहे, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं इससे जीत जाऊंगा, ये मुझसे जीत जाएगा। कन्फ्यूजन दोनों को होता है, इसलिए वो आज की बात को कल पे टाल देते हैं। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप समझ गए कि ए से जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके ईएमएफ के इक्वल है। समझ में आ गई बात? अब ये तो 4, 6, 8 जो हमने लिखा वो तो हमने अब एज्यूम किया है ना। इसका पोटेंशियल कितना था? वी, यानी कि ये वाला एंड वी वोल्ट पे था, ये वाला जो है 0 वोल्ट पे था। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था? के वी अपान एल, मतलब यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल चेंज हो रहा था। और अगर मैं मान लूं कि ये वाली लेंथ एक्स है जहां पर नल पॉइंट दिखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एजे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एजे क्या होगा? के एक्स हो जाएगा। और जो एजे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका ईएमएफ है, तो यही इसका ईएमएफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी सेल के ईएमएफ की गणना कर लेते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप ये 8, 7, 6 तो समझने के लिए आपको था। आप ये थ्योरी कैसे लिखेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना आपको, हम लिखवा नहीं रहे कि एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है या नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉन ईएमएफ है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम इसके एंड ए से जोड़ देते हैं और एंड बी को उसके नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जिस सेल का ईएमएफ निकालना होता है उसके पॉजिटिव को भी इसी पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा जॉकी से जोड़ देते हैं। ठीक, जब जॉकी को J1 पे टच कराते हैं तो ए J1 के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो इसके ईएमएफ से कम होता है, तो इसलिए इसकी ताकत, इसका ईएमएफ ज्यादा होता है, इसलिए करंट डायरेक्शन ऐसे फ्लो होती है। तो इसको नाम कैसे, ए J1 ई ए ऐसे लिख दोगे डायग्राम को, इतने बनाओगे, इतने भी इसलिए अरे यार ऐसे दिखाओगे, मान ले दिखा दिया और फिर ऐसे दिखाओगे दोबारा केस में, तो कैसे गड़बड़ करेगा, और तीसरे में न्यूट्रल दिखाओगे,
प्रॉब्लम ये है कि आपको तीनों केसेस में अगर यहाँ एरो दिखाओगे तो एक कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा करंट की तरफ फ्लो करा रहे हो, तो मजबूरी में ये वाला रास्ता हमको छोड़ना पड़ता है ना, इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहे हम, हमको यहीं दिखा देते हैं काम चल जाता है। हाँ डिफ्लेक्शन इधर, इसमें डिफ्लेक्शन इधर हो जाता है। जब उसके बाद J2 में जब टच कराते हैं तो AJ2 की भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके EMF से ज़्यादा होता है, तो इस तरफ से करंट फ्लो होती है, इसलिए हमने यहाँ दिखा दिया केवल करंट। भाई यहाँ दिखाओगे तो पहली बार ऐसे एरो बनाओगे, दूसरी बार ऐसे एरो बनाओगे और तीसरी बार कैसे एरो बनाओगे, ऐसे ही से एरो बनाओगे, ये लो दोनों तरफ फ्लो हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए इस वाले रास्ते में जहाँ पर स्थिति गड़बड़ है कि चेंज हो सकता है तो उस एरिया में फिलहाल हम साइलेंट रहते हैं कि गड़बड़ हो सकता है, कि कल कोई इनकी ताकत आएगी। तो देखा होगा जब इलेक्शन होता है जो बड़े बड़े नेता होते हैं आपस में कोई कार्रवाई नहीं करते कि आज इनको पहला तो कल को ये बनेंगे तो हमको धर धर धमकेंगे, अदरवाइज सब जानते हैं कि भाई एक छोटा सा मास्टर इसके बाद उसके घर में 5 करोड़ की हवेली बनी हुई है तो गड़बड़े बनी है ना, तो अगर हमने उस पर एक्शन किया तो अगली बार वो हमारे हवेली देखेगा, कहा भैया तुम्हारी हवेली कैसे बनी है, इसे बोला तुम हवेली बनाओ हम हवेली बनाए, गले मिलो और पब्लिकली जो केवल माइक पे हम लोग हरियाते एक दूसरे को, ठीक है। इसलिए तो यहाँ ये इस बैटरी को मालूम है कि इसकी ताकत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इस रास्ते में कोई करंट शो नहीं करेंगे। और जब जे पे टच कराते हैं तो जे पे टच कराने में ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके ईएमएफ के बराबर है, तो ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके ईएमएफ के बराबर होता है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने के मान लिया वी अपॉन एल, तो ए और जे के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, के इन टू एक्स, वो इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ गया, यानी अगर इस वायर की लेंथ आप बढ़ा दोगे तो के की वैल्यू कम हो जाएगी ना, और के जितना कम हो जाएगा उतना ही सेंसिटिव वो हो जाएगा, ठीक है भाई। जो जितना एक्यूरेसी क्या होती है, जितना कम से कम वो मेजर करें, आप दुकान पे जाते हैं आटा तोलाने के लिए 10-20-50 ग्राम कोई मायने नहीं रखता है, और आप बाला मम्मी के ले जाओ चक्की पे तोला जा करके तो रीडिंग नहीं करेगा, इतना सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ निकालने का तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। ये जो 6 वोल्ट है ये हमने जानबूझ के ऐसे लिया था समझाने के लिए, इसको हटा दीजिएगा, तो ये 10 वोल्ट रख दीजिए, तो समझाने के लिए था, ठीक है। अच्छा एक समझिए ज़्यादा ध्यान से, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट, और अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी होती तो क्या इसके बीच में कहीं पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता, नहीं मिलता। तो यानी कि ताकत अगर इसकी आपको करनी है तो इसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आप 10 वोल्ट तक कर सकते हैं तो ये कम से कम 11 वोल्ट की हो, 10 पॉइंट समथिंग हो, यानी न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसका पहला यूज़ हो गया, ये पोटेंशियोमीटर है। अब आप वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज़ करते हो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो 10-12 मीटर या 4-5 मीटर लंबा तार अगर किसी वुडन बोर्ड पर लगाओगे तो दिक्कत, कितना बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा पता ला, जॉकी लिए एक्सपेरिमेंट करें एक कमरे से दूसरे कमरे, एग्जामिनर आया कहीं कहाँ गए, बोले उस कमरे में गए। वो जॉकी घसघसाते हुए चले जा रहे हैं ना, तो दिक्कत होगी ना। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका होता है एक वुडन बोर्ड ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिया हमने, ये वुडन बोर्ड लिया, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से 1 मीटर लंबा तार ऐसे लगा दिया, 1 मीटर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी हमने, एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी, और यहाँ से 1 मीटर और तार लगा दिया, हो गया 2 मीटर। अब करंट ऐसे जाएगी, 2 मीटर हो गया जाकर के, यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी तो ये 3 मीटर हो गया, यहाँ लगा दी 4 मीटर हो गया, यहाँ लगा दी 5 मीटर हो गया, यहाँ लगा दी, तो जितना चाहे उतना लंबा तार हम लगा सकते हैं। तो जब लैब में हम जाते हैं तो लैब में हमको यही मिलता है, क्योंकि वो 5-6 मीटर लंबा तार एक वुडन बोर्ड में लगाओगे तो वुडन बोर्ड पूरा पटरा हो जाएगा पूरे कमरे से बाहर, कहीं 12 मीटर ले लिया तो 2 कमरे एक साथ अटैच करने पड़े, 12 मीटर तो 12×3=36, करीब 36 फुट से ऊपर, वो ज़्यादा 10 फीट का कमरा, 12 फीट का कमरा और 36 फीट, 3 कमरे मिला दिए गए, ठीक है। लिए जॉकी टहल रहे हैं, एग्जामिनर दौड़ा दौड़ा फिर रहा है कि किस कमरे में स्टूडेंट है, कहीं जॉकी लिए हो 3रे कमरे में है, तो ये लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है कि जब करंट यहाँ पर फ्लो होती होगी, यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से बैटरी लगाते हैं आप, कि जो भी पहले लगाई थी आपने लगा दी बैटरी, और जिसका ईएमएफ निकालना होता है वो यहाँ से लगा देते हैं बैटरी, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और इसको ले जा करके जॉकी को कहीं भी हम टच करा देते हैं, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखते हैं नहीं होना चाहिए, समझ में ही बात नहीं आई।
लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि जब करंट ये फ्लो होगी और जब इसमें करंट जाएगी तो आपने इसकी लेंथ को तो जोड़ा नहीं है, तो कॉपर स्ट्रिप भी तो थोड़ा बहुत तो खाएगी करंट को, रेजिस्टेंस उसका भी तो होगा कुछ, वो आपने कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसकी लेंथ जो जोड़ नहीं रहे आप, तो बिल्कुल सेंसिटिव वैल्यू ये नहीं देगा, ठीक है। इसलिए कोशिश की जाती है कि जितने कम फोल्ड हो पाए उतने सही, 4-5 मीटर चलो अगर लग जाता लगा लो, अगर जितने कम फोल्ड आपको नहीं, सिंगल तार लगे तो अच्छी बात है। तो जब हमें कहीं पर बहुत सेंसिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम सिंगल तार रखने की कोशिश करते हैं लैब में, ठीक है, लैब में चलता है कि वन वोल्ट है, कहीं 0.9 आएगा चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर 0.9 नहीं चलेगा, 0.91 भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर से हम किसी सेल का EMF कैसे निकालते हैं, लॉजिक पकड़ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसका यूज़ होता है, यूज तो ये पहला वाला यूज समझो या इसका इसकी वर्किंग समझ लो, इसका एक यूज होता है, पहला यूज, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के यूज क्या है, पहला यूज तो पहले वाला हो गया, लेकिन इसकी हेल्प से हम करते क्या है, पहली चीज हम दो सेल के EMF को कंपेयर करते हैं, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, कंपेयर द EMF, ये कंपेयर लिखा हुआ है, EMF of two cells, दो सेल के EMF को हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे जरा समझिएगा, ये आपका एक वायर है, वो जो अभी हमने बनाया था ना 4-5 मीटर का, वैसा भी बना सकते हो, हम फिलहाल ऐसे ही बना रहे हैं, ये वायर 4-5 मीटर का है और ये आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है जिसका EMF नोन है, उसको रियोस्टेट लगा रखा है और ये की लगा रखी है और ये समझ में आ गई बात। इसके बाद जिस सेल का EMF निकालना होता है उसको, अच्छा इसका हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मान रखा है कि ये हम मालूम है हमको, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इसका एंड ए है, ये एंड बी है, हमने क्या किया, जिस सेल का EMF निकालना होता है हमको कंपेयर करना है ना, तो सिंपल सी बात है, दो सेल होंगी हमारे पास, तो हमने दो सेल्स को क्या किया, एक सेल को यहाँ लगा दिया और एक सेल को यहाँ लगा दिया, ठीक है, दो सेल्स हैं, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है। इसके बाद दोनों को हमने ये प्रेस की लगा दी, ये प्रेस की होती ना, की एक तो होती प्रेस वाली, ऐसे टिप करेंगे तो क्या कहते हैं टॉगल कहा जाता है, हम सुन टॉगल बोल रहे हो, नहीं प्रेस की उसको ना कहिए, वो प्रेस नहीं होती, वो ऑन हो जाता है, ये प्रेस करेंगे छोड़ेंगे तो अपने आप ऐसे हो जाएगी, प्रेस की होती है। तो ये की K1 लगा दी यहाँ पर और यहाँ पर की K2 लगा दी और यहाँ पर हमने यहाँ से निकाला और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, कुछ ज़्यादा बाहर भाग गया है, चलो ठीक है, समझ आई बात। अब देखिए जिस की को ऑन करेंगे वो वाली सेल ऑपरेशन में आ जाएगी। तो पहला हम केस क्या लेते हैं कि K1 को हम ऑन कर देते हैं, क्या कर देते हैं ऑन, और K2 को हम क्या कर देते हैं ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जॉकी को उठाते हैं और यहाँ कहीं टच करा देते हैं और हम देखते हैं कि J1 कंडीशन में इसका नल पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट पोजीशन, यानी इसकी, तो यहाँ पर हम देखते हैं हियर J1 इसकी जो है J1 क्या है, नल पॉइंट कंडीशन है, नल पॉइंट J1 मिलता है, मतलब जब यहाँ पर टच कराते हैं तो कौन सी सेल इस समय सर्किट में है, E1 वाली या E2 वाली, E1 वाली है ना, यानी ये चीज़ आपकी बंद हुई है ना, ये आपने बंद किया है, K2 तो आप ऑफ किए हुए हैं ना। तो और अगर मान लें कि अगर AJ1 L1 है, मान लें ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ यहाँ से L1 आ जाती है, तो इसका E1 कितना निकलेगा, KL1, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि हम K2 को ऑफ कर देंगे और K1 को ऑन कर देंगे, K2 को हमने ऑफ, वो पहले भी ऑफ था, K2 को ऑन कर दिया और K1 को ऑफ कर दिया और गैल्वेनोमीटर को देखा तो ये डिफ्लेक्शन कहीं और दिखाएगा, नल पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, मान लिया J2 मिला, कहीं और मिलेगा, इधर मिल जाए, वो तो डिपेंड करता है उसके EMF पे, ठीक है। तो मान लें अगर हम कि J2 जो है आपका नल पॉइंट है, नल पॉइंट ना कहिए, नल पॉइंट पोजीशन कह सकते हैं, नल पॉइंट पोजीशन कह सकते हैं, वो पोजीशन है,
तो अगर मैं मान लूं कि अगर ए जे वन जो है, ए जे टू वो एल टू है, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, एल टू है, तो ई टू क्या होगा, के एल टू। अब ये नहीं समझना यहाँ तो के वन है, आप के क्यों लिख रहे हैं, ये के वन की है, वो के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ई वन अपान ई टू क्या निकलेगा यहाँ पर, एल वन अपान एल टू। तो इस प्रकार से दो सेल के ई एम एफ को हम कंपेयर कर सकते, नहीं कर सकते, समझ में आ गई बात। तो ये दूसरा यूज इसका है, नोट करें। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट समझिएगा कि अगर यहां पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर आप केवन को ऑन कर देते जब करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, हमने कहा था जब तक करंट नहीं फ्लो होगी तब तक सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि करंट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता किस वजह से, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ आयंस। तो जब करंट ही नहीं सेल से ले रहे हो, आयंस का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो कोलिजन काहे का, ठीक है। तो इसका यूज है, मतलब नहीं है, अगर कहीं बना हुआ माने रेजिस्टेंस, अब आपने देखा इंटरनल से बना हुआ है, यूज कर लेते हैं, कहाँ यूज कर लेते हैं, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही तो यूज काहे को करोगे, ठीक है। अब देखिए, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी सेल का अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सेल वही वाली है जिसका ईएमएफ आपको नहीं मालूम, ये बी वन नाम दिया था ना, क्या नाम दिया था शुरुआत में, अरे कुछ भी नाम दे दो, बैटरी है तो बी वन दे दिया। अब देखो ये आपकी जो सेल है ना वो ऐसे बनाएंगे, ये सेल है, इसका ईएमएफ है, यहाँ पर एक की लगा दिया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दो या रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो। रेजिस्टेंस लगाओगे तो फिक्स कर दोगे यार, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स जिससे जितना रेजिस्टेंस चाहो उतना आप निकाल लो, ठीक है। ये ऐसे, और यहाँ से आपने एक मिनट, ये की गलत लग गई है, की ऐसे यहाँ लगेगी, की ये की यहाँ लगेगी, और यहाँ से आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है। डायग्राम समझ में आया, इसका ईएमएफ कितना था, ई, और ये की का नाम क्या है, के वन, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जहाँ से कितना रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, कैपिटल आर। या तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो या बॉक्स को हटा दो और रेजिस्टेंस ही लगा दो, दोनों चीजें सही हैं, बॉक्स लगाओ चाहे रेजिस्टेंस लगा दो। अब आप कहेंगे बॉक्स में तो आपने कहा रेजिस्टेंस कोई भी निकाल सकते हैं, तो यहां कोई लगा भी तो सकते हैं, बात वही हुई जाकर की आर रेजिस्टेंस हो गया। जरा समझने की कोशिश करो, ये गैल्वेनोमीटर साहब हैं, सबसे पहले हमने केवन को ऑफ कर दिया, जब केवन को ऑफ कर दिया तो ये वाली ब्रांच तो बंद है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अच्छा, ये सेल के बगल में कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला केस यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर केवन को ऑफ कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद आप यहां से गैल्वेनोमीटर से एक दूसरा वायर निकालेंगे और जॉकी को यहां जाके टच करा देंगे जे वन पॉइंट पे, और यहां पर आप नल पोजीशन इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो केवन को ऑफ कर दिया और जे वन आपका क्या है, नल पॉइंट, पोजिशन ऑफ नल पॉइंट, पूरा लिख दीजिए, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, अच्छा लगता देखने में, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट वो हैंडपंप वाला नहीं है, दिमाग लगाए नल पॉइंट क्या होता है, हैंडपंप तो यहाँ लगा नहीं, बहुत लोग अंग्रेजी वाले ना समझा करो, सब कुछ बताना पड़ता है, नल में हैंडपंप नहीं है, नल पॉइंट। और ए जे वन की लेंथ हमने क्या मानी, लेट ए जे वन की लेंथ हमने क्या मानी, एल या एल वन मान ली, तो ई क्या निकलेगा, के एल वन। यहां तक बात समझ में आ गई, अब जरा समझिएगा, अब केवन को हमने ऑन कर दिया, सेकेंड केस में हमने क्या कर दिया, केवन को ऑन कर दिया। देखो इस सेल की कुश्ती इस वाली बैटरी से, वो यहां इनके साथ सामने जब जाएगा तब उस वहां उसकी ताकत को कंपेयर किया जाएगा। ये तो अपने घर में है, अपने दोस्तों के साथ कुछ भी बताओ कि मैं एक बार निकला था वहां मिले और उठा पटक दिया हमने उसको, तब ये देखा होगा दो लड़के जाते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, दोनों साथ जा रहे हो, कभी देखो बड़ा वाला जो छोटे वाले बताता है, छोटा वाला ये देखेगा हाँ हाँ आता था, कह रहा मारा इस वाले, बहुत मारा उसको, और फिर जानते हो फिर अब वो पूरे यहाँ से लेके स्कूल तक बताता जाता है। ये वाला एरिया होता है जिसमें वो अपने घर में रहता है। जब केवन को ऑन कर दिया तो अब ये सेल क्या करेगी, ये करंट फ्लो कराएगी, ऐसे फ्लो कराएगी ना, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। तो करंट जब ये फ्लो होने लगेगी तो होगा क्या कि जब यहां पर जब करंट जैसे निकलेगी तो क्या बाहर सर्किट में आपको ईएमएफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में सर्किट में मतलब पूरे सेल का ईएमएफ कितना है, ई,
लेकिन जो एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज आपको मिलता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको कम करके मिलता है ना, तो आपको जो बाहर मिलेगा वो ई माइनस आई आर मिलेगा, यही मिलेगा ना। लॉजिक समझ आ रही नहीं आ रही है? अब इतना अगर दिमाग लगाओगे कोई चीज़ में, इसका मतलब बेसिक आप नहीं पढ़ के आए हैं, शुरुआत का अपने भूल गए भाई साहब। जब करंट फ्लो कराएगी सेल तो ईएमएफ आपको बाहर मिलेगा, मिल जाएगा ईएमएफ, मतलब सेल के अंदर करंट फ्लो हो रही है और सेल बाहर भी 1.5 वोल्ट शो कर रही है। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बताया गया था शुरुआती दौर पे कि जब सेल करंट फ्लो कराती है तो 1.5 वोल्ट हमारा बाहर का वोल्ट मीटर रीड नहीं करता है, 1.4 करता है, क्योंकि अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? यानी कि अब आपको बाहर क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। यानी अब इसकी ताकत ही कितनी बची है? ये ताकत ही नहीं बची है। अब आप कहेंगे यहां तो नल पोजीशन, नल पोजीशन इसके सामने है ना, ये तो अपनी सर्किट में तो करंट फ्लो कराएगा ना, ये सर्किट इसके लिए थोड़ी, इसको गैल्वेनोमीटर से मतलब भी क्या है? अब हमने क्या किया, अब देखो इसकी लेंथ, अब बताइए नल पॉइंट इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, ये दिमाग लगाओ, नल पॉइंट इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा। अब पोटेंशियल इसका कम हो गया है तो यानी इसका नल पोजीशन मिलेगी कहां पर? मान लिया जे टू पे मिलेगी और लेंथ क्या है? एल टू। तो इस कंडीशन में जो आप यानी के वन को ऑन कर दिया तो हमने जे टू मान लिया आपकी पोजीशन ऑफ नल पॉइंट है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट है, नल पॉइंट है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और ए जे टू इज इक्वल टू क्या होगा? एल टू। V बराबर क्या हो जाएगा? के एल टू। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, इस डायग्राम को रब कर सकते हैं ना, डायग्राम समझ में आ गया? अभी बनाया नहीं, बनाइए डायग्राम। जब हमने K1 को ऑफ कर रखा था तो सेल की ताकत E थी, 1.5 वोल्ट थी, ठीक है। अभी क्या होता है, सेल जो हमने K1 को ऑन कर दिया तो सेल के अंदर करंट अपने सर्किट में फ्लो करने लगी, ठीक है। तो बाहर जब वो निकली सेल 1.5 वोल्ट का तलवा लेकर निकाल बाहर, लेकिन दिक्कत अंदर जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी वजह से उसकी ताकत थोड़ा सा कम हो चुकी थी, तो बाहर तो 1.4 ही वोल्ट मिलेगा ना, तो बाहर जो पोटेंशियल मिलता है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। तो V हो जाएगा ना। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के दो फार्मूले, एक फार्मूला तो बताया गया था R इज इक्वल टू कैपिटल R E अपान V माइनस वन, याद है? या तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दे, दो तरीके से हम बता रहे हैं, तो यानी कि कैपिटल आर और ई बोले तो के एल वन अपान के एल टू माइनस वन, के कैंसिल हो गया तो कैपिटल आर एल वन अपान एल टू माइनस वन। तो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मेट तो ये हो गया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसे नोट करें। फिर मान लिया फॉर्मूला ना याद हो तब क्या करें, बोले ये बढ़िया है, फॉर्मूला ना याद हो तब क्या करें, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। बोले ये लगा दे, बोले ये भी ना याद हो तो कब क्या करें, तो छोड़ा ही दें उसको भाई, जब कुछ याद ही ना हो तो करें क्या, सामने वाले की हेल्प ले लें थोड़ा सा, उसको भी ना याद हो तो उसको बता दे कि कल से सारे पढ़ के आना, अगर तुम ना बता पाए तो समझ लेना फिर बहुत तुमको बताएंगे हम। माने वाला फॉर्मूला नहीं याद है हमको, तो यहां से निकाल लो। देखो वी इज इक्वल टू क्या दे रहे हैं आपसे, ई माइनस आई आर, है ना। V तो मालूम है हमको, लेकिन अभी रख नहीं सकते हैं ना, L2 गड़बड़ कर, K गड़बड़ करेगा ना, तो E माइनस I क्या है, करंट है ना, और टोटल करंट कितनी होगी, E अपान स्मॉल R प्लस कैपिटल R। ये तो फॉर्मूला होता है किसी सेल जब लगाते हैं किसी परिपथ में जहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होता है, तो यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसमें स्मॉल R निकालना है तो ऐसा करते हैं E कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, जब इसमें एलसीएम लोगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान आर प्लस आर, स्मॉल आर कैंसिल हो गया, तो वी इज इक्वल टू ई आर। ये क्या लिख रहा हूँ, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करी दो डायरेक्ट काहे के लिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर, ब्रैकेट खोल दो, वी आर प्लस वी स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर, चूंकि स्मॉल आर निकालना है ना, तो जब वी स्मॉल आर निकालोगे तो क्या आएगा, ई माइनस वी और कैपिटल आर क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। जब यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालोगे, इतनी गंदी राइटिंग है, इतना बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ जाता है
तो जब हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल आर बाहर कर देंगे, यह आ जाएगा ई अपान वी माइनस वन। तो जब वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, कैपिटल आर एल वन अपान एल टू माइनस वन। तो ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हमने ये याद नहीं किया, हमने यहाँ से निकाल लिया। तो वैसे मतलब यही है, निकालना यहीं से चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन नहीं मालूम तो वहाँ से भी मालूम तो कहीं से नहीं, क्या ज़रूरत है। जब वोल्ट मीटर एक छोटा सा डिवाइस होती है तो ये पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा लंबा तार पटरा ये वो की ये लादे पूरा क्या जरूरत है। देखिए वाई पोटेंशियोमीटर इज बेट सुपीरियर देन वोल्ट मीटर आता है अक्सर। देखिए स्टेटमेंट लिखिए, वाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्ट मीटर। ये लिखेंगे नहीं, राइटिंग बड़ी गंदी है, लिख देते हैं अच्छा वाई पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंटियोमीटर नहीं है। इज सुपीरियर की स्पेलिंग क्या होती है, एस यू पी ई आर आई ओ आर, सुपीरियर देन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। आपने कभी निर्मा वाशिंग पाउडर का एडवर्टीजमेंट देखा होगा पुराना, अब तो नहीं आता, पिक्चर हॉल में भी आता है। वो एक दो लेडी निकलती हैं, एक लेडी इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफ़ेद क्यों, एकदम से वो आकाशवाणी होती है निर्मा वाशिंग पाउडर। कभी आपने देखा किसी आदमी निकला हो इसकी पेंट हमारी पेंट सफ़ेद क्यों, होगी तुम्हारी पेंट सफ़ेद हमारी गंदी सही, वो कभी नहीं देखते, ठीक है। वो देखेंगे बाल, बड़ा अच्छा बाल बनाया जुड़ा, कैसा कहाँ से कैसे बनाया, यहाँ बाल चाहे खड़े हों चाहे पड़े हों चाहे जैसे हों, ठीक है तुम्हारे होंगे बाल, हम कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कभी देखा एडवर्टीजमेंट में आदमी दिखाए हो कि आपकी इनकी पेंट हम हमारी पेंट से सफ़ेद क्यों, नहीं देखा ना। बनियाइन दिखाने के लिए दिखाते हैं, वैसे चलते हैं बनियाइन वो डॉलर पहन के चलते हैं वो, लेकिन उसमें नहीं देखा। तो देखिए वाई वोल्ट मीटर इज पोटेंशियोमीटर सुपीरियर, सुनिए ध्यान से। वोल्ट मीटर का फंडा क्या होता है, अब वोल्ट मीटर का फंडा मालूम होना चाहिए। वोल्ट मीटर किसी भी सेल के ईएमएफ को नापता है ना, और जब सेल करंट दे रही होती है तो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में लगाया जाता है। कोशिश ये होती है कि वोल्ट मीटर वोल्टेज नापे भी करंट ना खाए, काम तो करो खाना ना खाओ। अब खाना ना खाओ तो बोले खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया जाता है, बहुत हाई कर दिया जाता है, ठीक है। हाई मतलब खाना ना खाओ, अब खाना खाओगे तुमको इसी चीज़ पहले खिला दी गई कि तुम्हारा पेट फूलने लगे, चला खाना खाओगे नहीं, फिर भी पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, थोड़ी सी करंट ही लेता है। तब थोड़ी सी करंट ले लेता है तो इसके अंदर जो कॉयल होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट से वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी थोड़ी बहुत करंट खाएगा ना, थोड़ी बहुत माइन्यूट। तो जब थोड़ी बहुत करंट खाएगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी खा जाएगा, थोड़ा बहुत उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन में काम करता है, ये करंट नहीं लेता, जीरो करंट उसमें होती है। जब करंट फ्लो ही नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर खाएगा क्या, जब सामने तुम्हारी पूड़ी नहीं आएंगी तो खाओगे क्या, पता लगा कहीं खाना बन रहा है, कहीं खाना बन रहा है, कहीं आंधी आ गई थी क्या करें, खाने में चला गया कंकड़ सब कुछ हो गया, दोबारा बन रहा है, बैठे रहो दोबारा बैठे रहे, अभी बन रहा है। पाँच बजे आया कि अब खाना क्या, अब तो भाई नाश्ते का सुबह का टाइम हुआ, खाने की क्या जरूरत है, नाश्ता बन रहा है, नाश्ता आएगा, नाश्ता बोले अब तो विदाई का समय, नाश्ते की क्या जरूरत है। बारात में एक लोग हम लोग गए थे, मतलब जाने से लेके आने तक कुछ भी नहीं मिला। तो जब पोटेंशियोमीटर के सामने करंट ही नहीं आएगी तो क्या खाएगा, तो पोटेंशियोमीटर नल पोजीशन में काम करता है, इसलिए वो एग्जैक्ट रीडिंग देता, पहली बात समझ में आ गई बात। दूसरा कारण ये होता है कि जब वोल्ट मीटर किसे हम वोल्टेज नाप रहे होते हैं तो वोल्ट मीटर में रीडिंग लेनी पड़ती है, रीडिंग में डिफ्लेक्शन काउंट करना पड़ता है। अब डिफ्लेक्शन में काउंट करने में एरर हो सकती है, भाई वो जो कॉलम्स होते हैं नज़दीक होते हैं, आपने देखा टू पे पॉइंट एक जो की है वो टू पे आई है, हमने देखा टू से थ्री के बीच में है, 2.1 पे है, कुछ लोग ऐसे देख लेते हैं कितनी रीडिंग है, पता ना ऐसे देखोगे तो वहाँ फोर दिखाई पड़ रही है। भाई आप जो आपकी जो वोल्ट मीटर है उसमें ये स्केल्स बनी हुई हैं और ये इस है, यहाँ से तुम देख रहे हो तो यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हमको रीडिंग तो तुम्हारी जो नोट करोगे उसी से लिखना है ना, तो रीडिंग लेते वक्त मिस्टेक होने की चांसेस होती है। और जबकि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है न, पोटेंशियोमीटर मैं पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं गैलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको इसमें हीरो कौन है, यो इसका नाम पोटेंशियोमीटर, वो काम कौन करता अलग की बात है, ठीक है। मैं गैलोमीटर की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं पोटेंशियोमीटर की बात, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है नल पोजिशन होती है, हमको रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ पर मिस्टेक होने की चांस कम है। तो दो
कारण से सुपीरियर है। पहली बात तो वोल्ट मीटर सीरीज में लगता है, सॉरी उल्टा बोल गए, पैरेलल में लगता है, कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका होता है, कुछ ना कुछ उल्टा बोल गए क्या, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, ये करंट नहीं लेता लेकिन थोड़ी बहुत करंट ही लेता है। तो थोड़ी बहुत करंट लेने की वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, मैंने एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर नहीं कर पाता। पोटेंशियोमीटर नल पोजीशन की कंडीशन में काम करता है, यानी ये कोई भी करंट उसमें सर्किट से नहीं ले रहा होता है, इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देता है। दूसरी बात, इसमें रीडिंग लेते वक्त मिस्टेक होने की चांसेस होती हैं, आप उसमें कॉलम काउंट करोगे कि कितने कॉलम है, दो है, दो से तीन के बीच में है, दो से तीन के बीच में कहाँ पर है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, तो दिक्कत होगी। यहाँ पर कोई रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बड़ा हीरो है इस तरीके से, इस चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो यही है। न्यूमेरिकल में आता है तो बड़े बड़े लोगों के दान निकल आते हैं, दादा दादा डायग्राम सर्किट में यूज नहीं होता मतलब। अब हमको जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वहां पर यही यूज किया जाता है, और जहां काम चल जाएगा ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर, कहीं खाना कहां से खाते, बोले नाक से खाते, बोले नाक से थोड़ा सा एक इंच नीचे से खा लेते, तो नाक और एक इंच नीचे में कोई अंतर है उनको नहीं समझ में आता है, तो वो वोल्ट मीटर से काम चला लें। एग्जैक्ट रीडिंग जहां चाहिए डेसिमल तक का रीडिंग ठीक हो वहां पर पोटेंशियोमीटर यूज होता है। ठीक है, ओके।